हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एमएसक्यू हमारा 2016 का जो बचा है 31 to 40 वो हम आज सॉल्व करेंगे। इसके साथ हमारा 2016 का भी एमएसक्यू सारा सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा 2015 का एमएसक्यू और 2021 और 22 के हमको सॉल्यूशंस करने हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाउंड ओनली इन द विट्रियल शियर जोन। मतलब आपको पता है कि जो हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी में बात करते हैं तो दो तरह का हमारे पास एनवायरनमेंट होता है, उसमें एक डक्टाइल होता है और एक आपका ब्रिटल होता है। तो ब्रिटल शियर जोन में हमको क्या क्या मिलता है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। इससे पहले इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, क्वेश्चन 14 है आपका, एमसीक्यू से रिलेटेड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स ऑकर टिपिकली इन द डक्टाइल शियर जोन। वो उस समय पूछा था डक्टाइल शियर जोन, इस समय पूछा है ब्रिटल शियर जोन। तो इसका आंसर क्या क्या होगा, इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया गया, कैटाक्लेसाइट, मेलोनाइट, सीरिटोक्लाइट, गॉद। तो आप ये जो जो चीज फॉल्ट से रिलेटेड होगी, ठीक है, जो जो चीज फॉल्ट से रिलेटेड होगी और आपको पता है कि फॉल्ट आपका यहाँ पे ब्रिटल शियर जोन में होता है, तो आपका जैसे गॉज हो गया, फॉल्ट गॉज हो गया, सीरिटोक्लाइट हो गया और कैटाक्लेसाइट हो गया, ये तीनों के तीनों फॉल्ट से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑप्शन होगा। जबकि माइलोनाइट जो होता है आपका डक्टाइल शेयर जोन में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या होंगे, ए सी और डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू हेडवर्ड इरोजन बाय रिवर इज आर करेक्ट। हेडवर्ड इरोजन से क्या मतलब है ये समझ लीजिए। हेडवर्ड इरोजन क्या होता है कि जब रिवर आपकी आपका मूव करती होती है फ्रंटल पोजिशन में, आगे मूव करती होती है, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करती है जिसको कहते हैं हम लोग, रिवर मूव फॉरवर्ड और डाउनवर्ड बट इरोजन डन। अब ये रिवर आपकी ये आगे मूव कर रही है बट इरोजन जो हो रहा है वो पीछे हो रहा है, वो बैकवर्ड साइड में हो रहा है, अपवर्ड साइड में होता है, इसको कहते हैं हम हेडवर्ड इरोजन। इरोजन आपका पीछे की साइड पे हो रहा है, ओके, तो इसको हम हेडवर्ड इरोजन कहते हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ द ट्रिब्यूटरीज इंक्रीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है कि जो भी रिवर होती है उसके अलॉन्ग और भी जो रिवर्स फ्लो करती है उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ द मेन चैनल, देखिए अगर ये इरोजन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो लेंथ ऑफ द मेन चैनल होगा, ट्रिब्यूटरीज से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। स्ट्रीम गेट कैप्चर, अब देखिए स्ट्रीम कैसे गेट कैप्चर होती है, जब पीछे इरोजन स्टार्ट हो जाता है, जब ये बैकवर्ड मोशन होता है इसमें बैकवर्ड इरोजन स्टार्ट होता है तो ये एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पे दूसरी जो स्ट्रीम होती है वो कैप्चर हो जाती है, इसी को रिवर पायरेसी बोलती है, दैट इज नोन एज रिवर स्ट्रीम गेट कैप्चर। चैनल ग्रेडियंट इंक्रीजेस अप स्ट्रीम, अब ये जो चैनल का ग्रेडियंट है, वंस अ स्ट्रीम हैज बिगन टू कट बैक, ये जब कट करना स्टार्ट करती है तो इरोजन स्पीड अप बाय स्टीप ग्रेडियंट द वाटर इज फ्लोइंग डाउन। इसमें आपका क्या होता है, जो ग्रेडियंट होता है जो आपका वो स्टीप हो जाता है जब आप हेडवर्ड इरोजन आपका होता है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या होंगे, बी सी एंड डी, हेडवर्ड इरोजन क्रिएट। अब ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप समझ लिए कि हेडवर्ड इरोजन में क्या क्या स्ट्रीम टाइप, हेडवर्ड इरोजन में क्या क्या होता है, इनसिक्वेंट स्ट्रीम होता है, सबसिक्वेंट स्ट्रीम होता है, ऑबसिक्वेंट स्ट्रीम होता है और रिसिक्वेंट स्ट्रीम होता है। हेडवर्ड इरोजन क्रिएट थ्री मेजर काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। आप समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि हेडवर्ड इरोजन में मेन पैटर्न कौन कौन सा होता है ड्रेनेज, तो मेन टाइप आपका डेंड्रिटिक होता है, ट्रेलिस, रेक्टेंगल एंड एंगुलर पैटर्न, ये आपके मेजरली तीन टाइप के होते हैं, आप इसमें एंगुलर पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्रिस्टलोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इन द थिन सेक्शन आपको 30 mm थिकनेस दिया गया है, द आर आई ऑफ अ मिनरल्स आर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मिनरल आर, आपको एप्सिलॉन और ओमेगा दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रेज की वैल्यूज आपको दी गई है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। अब यूनिएक्सियल पॉजिटिव, यूनिएक्सियल नेगेटिव, फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर, लो टू मीडियम रिलीफ, ये हमें चेक करना है। ऑप्शन दिए गए ए और बी, कैसे आया ये हम देखेंगे। पहले तो आपको ये पता ना यूनिएक्सियल पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये डिपेंड करता है आपका आर आई की वैल्यू से। RI of the extraordinary wave is greater than RI of the आपका ordinary wave. Ordinary wave देखिए epsilon की value 1.565 है और gamma की value आपकी 1.468 है, तो epsilon is greater than omega, इसका मतलब ये uniaxial positive है, इतना simple सा होता है। अब हमको क्या करना है, ये तो ये option खत्म हो गया, first order interference color है कि नहीं, देखिए this is the first order interference color से relation है, यहाँ पे हमको thickness कितनी दी गई है,
30 mm, तो हम इस माइक्रोन में इस जोन में रहेंगे, तो ये जोन हमारा जो रहेगा इससे हमको पता चलेगा। अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस का ये जो चार्ट है रटले की पेज 112 से लिया गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो गया, थिकनेस हो गया, ये बायफ्रिंजेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बायफ्रिंजेस की वैल्यू देख लीजिए आप कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर देखिए आप बायफ्रिंजेस की वैल्यू, बायफ्रिंजेस क्या होता है कि एप्सिलॉन माइनस ओमेगा का जो डिफरेंस होता है दैट इज बाय रिफ्रिंजेस, ये हमारी वैल्यू कितनी है 0.097। तो ये कहाँ पे आ रहा है 0.097, ये बियॉन्ड है, ये थर्ड ऑर्डर के बाद है, ना कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड थोड़ी, ये तो थर्ड ऑर्डर के बाद भी जा रहा है, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस तो है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन मेरा सही नहीं है। लो टू मीडियम रिलीफ, ये वाला चार्ट आपका, ये भी आपका रटले से लिया गया, इसमें दिया गया है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलीफ बेस्ड ऑन आर आई वैल्यू, तो आर आई अगर रेंज हमारा क्या कर रहा है 1.565 टू 1.46 है, तो 1.565 हमारा कहाँ पे आया, ये आपका यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, और 1.468 लगभग यहाँ पे आया, तो मेरा कहाँ से लो टू मीडियम, तो मेरा रिलीफ क्या होगा लो टू मीडियम होगा। तो ये आपको ये चार्ट और ये चार्ट याद करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को करने के लिए, ओके। और यूनिएक्सियल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलता है, जब हम एप्सिलॉन और गामा की वैल्यू देख, ओमेगा की वैल्यू देखते हैं, और मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज और ऑर्डिनरी रेज का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज आर आई, बेस्ड ऑन दैट हम ये दिखा पाते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज इज ग्रेटर देन ऑर्डिनरी रेज होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना मिलता जुलता क्वेश्चन हमने 2017 में भी सॉल्व किया है, अगर आपको याद हो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बट स्टेटमेंट देख लिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू फॉर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या है कि जो आपका मेल्ट होगा और जो आपका क्रिस्टल होगा वो दोनों एकदम इंटरमिक्स हो जाएंगे, एकदम मिक्सिंग रहेंगे, वो अलग अलग नहीं रहेंगे, जैसे हमारा वो आपका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में होता है। कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म सॉलिड, अब आपको पता है कि ये लिक्विड अगर स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लिक्विडस हो गया और ये आपका सॉलिडस हो गया, ओके। तो अगर लिक्विडस आपका ए पे पॉइंट होता है, तो यहाँ इस जो जो कंपोजिशन होगा आपका इस आपका, ये आपका लिक्विड का कंपोजिशन होगा यहाँ पे आपको मिलेगा, करस्पॉन्डिंग इसके अगर आप टाई लाइन बनाते हैं तो ये जो बी होगा, बी आपका क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल का कंपोजिशन होगा, प्रोपोर्शन होगा। तो कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म सॉलिड डिपेंड ऑन द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ, आप देख सकते हैं कि ये जो इसका कंपोजिशन है ये इनिशियल मेल्ट जो होगा उस पर डिपेंड करेगा, तो ये पहला ऑप्शन मेरा सही हो गया। सॉलिड कंपोजिशन इज ऑलवेज मोर एनर्थाइट देन द को एग्जिस्टिंग मेल्ट। अब देखिए यहाँ पे एक आपने एक मेल्ट ले लिया, चलिए एक मेल्ट हम यहाँ पे ए डैश यहाँ पे ले लेते हैं, तो अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो ये हमारा ए बी है और ए एन है, मतलब ये क्या है आपका एनर्थाइट है और ये एल्बाइट है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है एनर्थाइट, तो एनर्थाइट की वैल्यू मान ले हम वहीं पे है, ये एक्स है, तो यहाँ पे अगर हम एक्स की बात करते हैं तो ये कंपोजिशन आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी मेल्ट के लिए, बट इसका जो कोरस्पॉन्डिंग क्रिस्टल होगा ओके, या मैं कह सकते हैं एनर्थाइट होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी किसकी, सॉलिड कंपोजिशन, मतलब जो सॉलिड कंपोजिशन ऑलवेज मोर देन द एग्जिस्टिंग मेल्ट कंपोजिशन। तो यहाँ देख सकते हैं कि एनर्थाइट की वैल्यू यहाँ पे कम है, इस मेल्ट में कम है, जबकि लिक्विड सॉलिडस पे ज्यादा है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है कि सॉलिड कंपोजिशन जो होगा ऑलवेज मोर एनर्थाइट देन द कोएग्जिस्टिंग मेल्ट, मेल्ट में जितना एनर्थाइट होगा उसके कंपेयर टू सॉलिड में एनर्थाइट ज्यादा होगा, यहाँ से एकदम साफ साफ पता चला। कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द सेम एज द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ द मेल्ट, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं जैसे कि लास्ट टाइम हमने 2017 में आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से जो कंपोजिशन स्टार्ट होगा ए का और ये जब फाइनल सॉलिड बना देगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जब फाइनल सॉलिड यहाँ पे आएगा तो आप देख सकते हैं कि उसका भी कंपोजिशन सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जो मेल्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट होके आपका सॉलिड बन जाएगा, तो जो कंपोजिशन होगा इनिशियल कंपोजिशन होगा मेल्ट का वो सेम होगा, ओके। दीज आर सम ऑफ द थ्योरीज, और उसके बाद देखिए लास्ट वाला देखते हैं, इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जोनेशन क्रिस्टल। देखिए जोन बनाने के लिए क्या होता है, जोनिंग के लिए आपको कहीं कहीं पे मिनरल कलेक्ट होना चाहिए, सेग्रीगेट होना चाहिए, जो कि नॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन, वो इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होता, वो आपका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में होता है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। तो हमको यहाँ पे क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कौन सा है, सिर्फ डी है, तो डी मेरा ऑप्शन रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ये क्या है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, मुझे नहीं लगता कि इसको आपको और डिटेल में बताना चाहिए।
इसमें क्या करें, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी एट द अर्थ सर्फेस, मतलब यहाँ पे अर्थ सर्फेस पे जो ये जी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपको अच्छे से मालूम है लेटीट्यूड पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपको पता है जी की वैल्यू इक्वेटर और पोल पे अलग अलग होती है। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, एल्टीट्यूड ऊपर जाने पर वैरी करेगी। ये आपका जियो, ये आपका फिजिक्स का 11th क्लास का फॉर्मूला है, जी एच इज इक्वल जी जीरो, इसका मतलब ये एच पे डिपेंड करती है, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया। कंपोजिशन ऑफ द अंडरलाइन मटेरियल, अंडरलाइन मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि आपको पता है जो फिजिकल एक्सपेरिमेंट में ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, ग्रेविटी मेथड यूज करते हैं, जब जी की वैल्यू चेंज होती है बेस्ड ऑन द डेंसिटी, तो डेंसिटी की वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है, इसका मतलब अंडरलाइन मटेरियल पे भी जी की वैल्यू डिपेंड करती है। रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन अर्थ, ये बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है मगर फर्क होता है, जी की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे आपको पता है मून सन का इंटरेक्शन की वजह से जिसको हमको टाइडल टाइड्स बीमारी बनती है, टाइडल इफेक्ट हो जाता है, तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती बट फिर भी अफेक्ट करती है इन अ डे। तो आपके इसके रिलेटिव पोजिशन पे भी डिपेंड करती है, बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है मगर पड़ती है। तो आपके ऑप्शन सारे होंगे, ये आपका मैं बार बार बता चुका हूँ, लास्ट टाइम भी जब हम MSQ कर रहे थे उसमें भी आपको उस समय हम लोग ने क्या देखा था कि और तीर की बनावट के हिसाब से जो जो जीनस थे उनको अलग अलग कैसे किया जाता है, उसी समय कहा था बाइवालिया मोलस्का के लिए। सेम तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा है कि बोरोइंग बाइवालिया कौन से होंगे। अगर आप अमरदास गुप्ता की बुक पढ़ते हैं पेज 161 पे, तो उसमें साफ साफ दिया गया है कि इनफॉर्नल शैलो एंड डीप बोरो फॉर्म कौन कौन से होते हैं, डीप बोरो फॉर्म कौन कौन से होते हैं आपके। देखिए बहुत ज्यादा, देखिए शैलो में आपका वीनस हो गया, सिरेनिया हो गया, तो ये आते हैं आपके जैसे, तो फिर आपका वीनस हो गया। और डीप बोरो की बात करें तो इसमें माइला, इंसेस, ओलेन ये सब भी आते हैं, तो माया मिया आपका डीप बोरिंग बोरोइंग फॉर्म हो गया। अगर हम बोरो की बात करें तो बोरो में आपका फोला आता है, टेरेडा आपका एकदम टेरेडो सेम है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और पेक्टिन आपका स्विमर फॉर्म होता है। तो मेरे ऑप्शन ए और डी होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट इज आर कैरेक्टराइज बाय प्रीडोमिनेंट डिपॉजिट ऑफ मड, मतलब मड के डिपॉजिट के लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। एक याद रखिए, मड का अगर डिपॉजिट होना है तो वहां पे एनवायरनमेंट आपका लो एनर्जी एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो इसमें जहां जहां पे भी लो एनर्जी एनवायरनमेंट होगा दैट इज फिजिबल फॉर मड डिपॉजिट। आपको पता है कि बैरियर बार जो होता है उसमें वेलोसिटी बहुत हाई होती है, तो वो कंडीशन आपकी नहीं हो सकती है। एक्सपोज सैंडबार दैट हैव दैट ड्यूरिंग द हाई वाटर लेवल और हाई टाइड लो टाइड के बीच का जो होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। लगून आपका पता ही, आपको लगून क्या होता है, आप जब बार होता है एक अच्छा पोस्टर्न होता है, लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बाई नैरो लैंडफॉर्म। और ये लैंडफॉर्म क्या क्या हो सकते हैं कि आपके रीफ हो सकते हैं, बैरियर आइलैंड या बार हो सकते हैं, बैरियर पेनिनसुला या इस्थमस हो सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि नैरो मतलब शैलो वाटर बॉडी, जब शैलो वाटर बॉडी होगी तो कूल होगी, काम होगी, इसका मतलब वहां पे लो एनर्जी होगी, तो मेरा ऑप्शन बी हो सकता है। फ्लूवियल फ्लड प्लेन और फ्लूवियल चैनल, देखिए फ्लूवियल चैनल क्या होता है कि जहां से रिवर फ्लो करती है तो ये पूरे पार्क को, ये पूरे उसका एरिया को हम फ्लूवियल चैनल बोलते हैं। अब फ्लूवियल चैनल पता है कि आपको वेलोसिटी ज्यादा होती है, मगर हम फ्लूवियल फ्लड प्लेन की बात करें तो ये जो पोर्शन होता है जहां पे एक्स्ट्रा वाटर बाद में एक्युमुलेट हो जाता है ड्यूरिंग द फ्लड टाइम, बट वो क्या होता है कूल एंड काम होता है, मतलब वहां पे लो एनर्जी होती है। तो फ्लड प्लेन पे भी आपका मड डिपॉजिट हो सकता है क्योंकि एज पर द लो एनर्जी एनवायरमेंट, हमारे ऑप्शन बी और सी हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका स्टेटिग्राफी से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या बताना है कि ये जो फॉर्मेशन है ये क्रिटेशियस में आते हैं कि नहीं आते, इसमें क्या है कैटरोल, पंचम भुज और अरियालू। तो देखिए पंचमचारी उमिया भुज, पंचमचारी कैटरोल उमिया भुज, ये आपके फर्स्ट सक्सेशन है, यहां तक आपका जो उमिया तक आपका ये जुरासिक में आता है, ठीक है। तो जुरासिक में आप देख सकते हैं पंचम हो गया, तो पंचम हो गया, चारी यहाँ पे है नहीं, कैटरोल भी आपका हट गया। अब भुज, भुज देखिए भुज आपका क्रिटेशियस में आता है, तो ये एक ऑप्शन हो गया, और भुज के ऊपर ही अरियालू ग्रुप आपका आता है त्रिचिलम में, ओके। तो ये भी आपका ऑप्शन होगा, ए और बी आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे। सक्सेशन याद रखिए, उसके एज आपको आराम से याद हो जाएगी। ये जो सक्सेशन, इसको एक और नाम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेसोजोइक सक्सेशन ऑफ कच्छ रीजन, ये आपका कृष्णन की बुक से लिया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर डिपॉजिट इज आर फॉर्म ओनली बाय द हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। हमको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा डिपॉजिट हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से बना है। SNW ओर एसोसिएटेड विद ग्रीजेनाइज्ड रॉक, ठीक है। ग्रीसेंस क्या होता है, ग्रीसेंस
is a highly altered granite or pegmatite rock, and grisons is formed due to the hydrothermal alteration. So this is my right option, first one. Layer type chromite ore associated with, see directly layer type chromite is associated with your orthomagmatic deposit. So this is not my option, already cross is there. Vein type gold ore deposit with green belt. देखिए जितने भी वेन्स टाइप डिपॉजिट होते हैं वो आपको हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट में मिलेगा. ओके, तो ये भी मेरा राइट ऑप्शन है. निकिल कॉपर सल्फाइड और अब जहां पे भी सल्फाइड आ जाए तो समझ जाइए कि वो सुपरजीन डिपॉजिट में होता है, सुपरजीन इनरिचमेंट डिपॉजिट में होता है सल्फाइड. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सल्फाइड इज रिलेटेड टू आपका सुपरजीन इनरिचमेंट में होता है. तो हमारे ऑप्शन ए और सी रहेंगे. आपका लेयर डिपॉजिट इज रिलेटेड टू योर आर्थोमैग्नेटिक और ये सल्फाइड डिपॉजिट रिलेटेड टू सुपरजीन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल डिफिनेशन से रिलेटेड है. मिग्माटाइट इज अ रॉक. व्हाट इज मिग्माटाइट रॉक? लेट्स सी व्हाट इज मिग्माटाइट रॉक. मिग्माटाइट रॉक इज अ हाई टू मीडियम टू हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक एनवायरनमेंट. सो यहां पे क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई ग्रेड? नो, नॉट हाई ग्रेड, मीडियम टू हाई ग्रेड. तो दिस इज नॉट माय ऑप्शन. ओके, इन व्हिच, अब देखिए, अब मिग्माटाइट रॉक में मैफिक रिच पार्ट आर इंटरमिक्स विद पॉट्स और लेयर ऑफ ग्रेनिटिक कंपोजिशन. यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो मैफिक रिच रॉक है दैट इज इंटरलेयर्ड विद द ग्रेनाइट प्लूटोनिक अपीयरेंस. सो दिस इज आल्सो एन ऑप्शन. तो मेरा ऑप्शन ए सही हो गया. विद मेलोसोम एंड ल्यूकोसोम. मेलोसोम ल्यूकोसोम क्या होता है, आप समझ लीजिए कि जो मिनरल एग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, ल्यूकोसोम लाइट कलर ग्रेनेटिक कंपोजिशन कंपोनेंट होते हैं, और मेलोनोसोम ये मेलोनोक्रेटिक से बना है, डार्क कलर मिनरल्स एम्फिब्लॉइड से बने होते हैं. तो ये भी ऑप्शन मेरा सही हो गया. With a solid residual and partial mix. अब यहाँ पे देख सकते हैं, Migmatite form under extreme temperature and pressure condition during prograde metamorphism when partial melting occur in metamorphic paleosol. Okay. अब देखते हैं ये वाला with a solid residual and partial melting. Solid residual नहीं होता but partial melting होता है. तो मेरा सी ऑप्शन सही नहीं है. तो मेरे दो ऑप्शन रहेंगे ए और बी. ओके, सो इसी के साथ ये पार्ट हमारा खत्म होता है. अगर इसमें आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही, क्यों आपको नेट सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो ऑलरेडी मैं कुछ कुछ वीडियोज बता चुका हूँ. अगर आपको और किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बताइए. ओके, तो अभी तक इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.